हाय गाइस, दिस इज़ रॉय एंड यू आर वाचिंग रॉय गेमिंग यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर जो कि है हाउ टू कंट्रोल ऑन रिकॉयल। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि जो गन का रिकॉयल है, ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोग कैसे कंट्रोल पा सकते हैं। हाँ भाई, सही बात। मतलब अभी देखोगे कि AK वगैरह ये सब बहुत सारा गन एक टाइम पे हम लोग मतलब कतई तबाह ही मचा के रखा था गन के, मतलब बैटल फील्ड्स के अंदर, जैसे कि ड्रैगन AK हो गया भाई साहब, कितना जहर डैमेज था और इतना OP गन था। अब देखो वो गन बहुत ही मुश्किल से बहुत ही मतलब कुछ कुछ बंदे ही लेता है, ठीक है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न यही है कि AK का तो वैसे भी सबसे ज़्यादा रिकॉयल था, और अभी ये अपडेट के बाद तो और भी ज़्यादा रिकॉयल बढ़ा दिया गया AK का। तो गाइस, इसी में मतलब ऐसे करके सारे गन का ही रिकॉयल जो होता है, मतलब रिकॉयल का जो सिस्टम है सारे गन के ऊपर होता है, लेकिन कुछ गन ज़्यादा रिकॉयल करता है, कोई गन कम रिकॉयल करता है। तो हम लोग आज बात करेंगे इस वीडियो में कि ये जो रिकॉयल होता है इसको कैसे, इसके ऊपर कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते, थोड़ा बहुत कर ही सकते हम लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे सही से तो हो सकता है। तो उसी के बारे में वही टिप्स हम लोग को लेके आज मतलब डिस्कस करेंगे उसी के ऊपर। तो गाइस, अगर पूरा वीडियो देखना, तो पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो समझ में शायद नहीं ना आ पाए, फिर बताना यार तूने गलत बता दिया ये वो है, ठीक है। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखते रहो, आई होप कि सबको समझ में आ जाएगा कि कैसे रिकॉयल कम किया जा सकता है गन की, ठीक है गाइस। तो चलो ज़्यादा बकबक ना करते हुए सीधा वीडियो पर चलते। ठीक है, तो गाइस मैं AK की बात कर लेता हूँ पहले से कि AK सबसे ज़्यादा रिकॉयल करते, इसीलिए मैं पहले AK की बात करता हूँ कि AK में मतलब कितना ज़्यादा रिकॉयल होता है वो सब देख लो तुम लोग। ऐसे देखो, जैसे कि ये हेड है, हेड पे मारता हूँ पहले, जैसे देखो देखो भाई कितना ज़्यादा रिकॉयल हो रहा है। देखो गाइस कितना ज़्यादा, एक भी गोली नहीं लग रहा है, सब इधर उधर आउटसाइड लग रहा है, ठीक है। तो AK का रिकॉयल इतना गंदा है, देखो इतना गंदा है। तो गाइस ये जो रिकॉयल, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसी के बारे में हम लोग का वीडियो, इसी के टॉपिक में बात करेंगे हम लोग, और तुम लोग को बताऊंगा कि कैसे इसका रिकॉयल जो है वो कम कर सकते हो। तो गाइस जैसे कि देख रहे हो कि ऐसे करके चलाता हूँ तो मतलब पूरा मैगजीन अगर ऐसे फुल कर देता तो बहुत ज़्यादा रिकॉयल होता है। तो गाइस ऐसे नहीं करना है हम लोगों को, रिकॉयल कम मतलब कंट्रोल करने के लिए हम लोग को करना क्या होगा, उसके लिए ऐसे करके गोली चला, उसके बाद तुम गोली फायर बंद कर दो, उसके बाद फिर से गोली चलाओ, देखो जो रिकॉयल है वो बहुत कम हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके चलाओगे ना फिर बहुत कम हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके चलाना है तुम लोगों को बस। तो उसके मतलब टिप्स नहीं है ऐसा कुछ खास बात भी नहीं है, लेकिन वो कि वो क्या है कि बंदे जब मतलब सामने बंदे हो जाते हैं ना तो पैनिक्ड हो जाते हैं, और कुछ बंदे ऐसे करके पूरा मैगजीन उतार देते हैं, पूरा एकदम पूरा का पूरा मारते ही जाता है। तो ऐसा करना ही नहीं है गाइस, ऐसा करोगे तो ज़्यादा दो चार गोली लगेगा बंदे के ऊपर, फिर जाके सबके सब रिकॉयल होकर बाहर चला जाएगा और उससे फ़ायदा भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो गाइस हम लोग को करना है क्या, रिकॉयल को कंट्रोल करने के लिए हम लोग को बस सीधा ऐसे करके मतलब कुछ गोली मारना है, दो चार गोली AK का तो इतना ज़्यादा, इसलिए AK का कम से कम गोली चलाओ, ठीक है। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके चलाओ, फिर जाके चलाओ, ऐसे करके चलाओ तो रिकॉयल उसका कम हो जाएगा एकदम, और तुम जो है मैक्सिमम डैमेज दे पाओगे बंदे का, ठीक है। तो AK का गाइस देख लिया हम लोग कितना गंदा रिकॉयल होता है, और पहले तो AK बहुत ही अच्छा चलता था, अभी कुछ बंदे जो मतलब है कुछ ही बंदे अभी अपडेट के बाद जो है कुछ ही बंदे AK यूज़ करता है, मतलब जो एक टाइम पे OP गन था वो गन अभी कोई देखता भी नहीं है अच्छे से, ठीक है। लेकिन डैमेज अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसका रिकॉयल बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसीलिए वो मतलब AK को कोई उठाता नहीं है ज़्यादा, बहुत कम बंदे ही यूज़ करते हैं। लेकिन अभी देखो स्कार या XM8 तो अभी OP का बन चुका है एकदम, XM8 और ये स्कार, दोनों का रिकॉयल मैं दिखा दूंगा तुम लोगों को। तो इसका स्कार का भी रिकॉयल देख सकते हैं हम लोग, कि स्कार का भी रिकॉयल है लेकिन AK जैसा उतना नहीं। देखो जैसे कि हम लोग पूरा मैगजीन ऐसे करके पूरा उतार देंगे ना, देख सकते हो आप लोग कि रिकॉयल कैसा हो रहा है स्कार का। रिकॉयल हर एक गन होता है लेकिन उसको मतलब कम और ज़्यादा ऐसा कुछ सीन है। तो स्कार का जो रिकॉयल है वो भी देखो, बहुत पहले का बहुत सारा गोली ठीक ठाक चलता है, फिर उसके बाद जाके एक बार इधर एक बार उधर एक बार इधर ऐसा कुछ होता रहता है। तो गाइस चाहे जो भी गन तुम लोग यूज़ कर रहे हो, जो भी गन चला रहे हो, ठीक है, तो तुम लोगों को बस एक बार में पूरा मैगजीन किसी के ऊपर खाली नहीं करना है, पूरा ऐसे ऐसे मारना ही नहीं है। अगर मारोगे ना पहले का कुछ गोली लगेगा, फिर जाके तुम्हारा एक भी गोली नहीं लगेगा बंदा, तब तक तुमको मार देगा। तो हम लोगों को इसीलिए सबसे बेहतर जो है क्या करना है, हम लोग को ऐसे करके मार के फिर
फिर मारना है ऐसे करके, फिर मारना है ऐसे करके, मतलब कुछ गोली मारना है, फिर कवर लेना है, फिर मारना है ऐसे करके मारना है, पूरा तुरंत नहीं मारना है, बस एक बार में पूरा एक मैगजीन खाली नहीं करना है, तब नहीं होगा। ठीक है गाइस, तो रिकॉयल कंट्रोल पाने के लिए सबसे बेहतर जो मैं बताऊंगा जो तरीका होता है उसको तुम लोग बस ऐसे करके मारो, फिर छोड़ो, फिर मारो, फिर छोड़ो, फिर मारो, फिर छोड़ो, ऐसे करके मारो तो रिकॉयल वो एकदम नहीं होगा और आप लोग डैमेज भी मैक्सिमम दे पाओगे बंदे को। ठीक है, तो गाइस चलो अभी एक्समेट, ये क्या सो क्यों गए? तो गाइस एक्समेट सारे गन तो ऐसे नहीं दिखा पाएंगे, अगर गाइस सारे गन दिखाने जाऊँगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं लास्ट में एक बार एक्समेट को भी दिखा देता हूँ क्योंकि ये एकदम ओपी गन बन चुका है अभी अपडेट के बाद। तो इसका रिकॉयल भी एक बार तुम लोगों को दिखा देता हूँ कि एज़ कम्पेयर इन तीनों गनों में से कौन सा गन का रिकॉयल कितना ज़्यादा और कितना अच्छा है कौन सा गन। एक्समेट का हम लोग देखते हैं एक बार हेड में लेके एम। ठीक है, तो गाइस जी यहाँ पे देख रहे हो एक्समेट का कितना अच्छा रिकॉयल, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है एक्समेट का एज़ कम्पेयर टू एक्सकार ए के, ये सब के मतलब कंपेयर करने से एक्समेट बहुत अच्छा है, मतलब इसका रिकॉयल बहुत ही कम है, देख ही पा रहे हो तुम लोग। फिर भी जो भी गन तुम लोग चला रहे हो बस ऐसे ऐसे करके चलाना है, बस तुम लोगों को ऐसे ऐसे करके चलाना है, एक साथ पूरा मैगजीन ऐसे ऐसे करके खाली नहीं करना है, तो रिकॉयल ज़्यादा हो जाएगा और उसके बाद तुम्हारा डैमेज नहीं रहेगा। बार बार मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ, कोई भी गन, कोई सा भी तुम लोग गन चलाओ तो उस गन को मैं बोलूँगा कि पूरा एकदम ऐसे करके मैगजीन खाली मत करो किसी के ऊपर। ठीक है, कभी भी नहीं करनी है, वो गलत तरीका होता है। तो तुम लोगों को मारना है, फिर मारना है ऐसे करके, मारना है छोड़ना है, मारना है छोड़ना है, ऐसे करके मारोगे मैक्सिमम डैमेज लगेगा बंदे को और रिकॉयल बहुत कम हो जाएगा। तो गाइस यही था जो टिप्स बोलो, जो भी बोलो, जो भी कुछ था इस वीडियो के बारे में तो यही था। तो आई होप कि तुम लोग समझ चुके हो कि कैसे रिकॉयल कम्प्लीटली रिकॉयल के ऊपर कंट्रोल पाया जा सके। तो यही एक तरीका है जिससे तुम लोग अपने मतलब जो होता है कि रिकॉयल बहुत ही तुम लोग कंट्रोल कर सकते हो और गेम प्ले भी तुम लोगों का इससे बहुत इम्प्रूव होगा। तो आई होप कि तुम लोग वीडियो देख के समझ गए होंगे कैसे की करना है और तुम लोग गेम में जाके प्रैक्टिस ज़रूर करोगे इस चीज़ को। और अगर तुम लोगों को दूसरा कोई भी क्वेश्चन वगैरह जो भी है तुम लोगों का अगर होगा तो वीडियो का कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, मैं सबका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और कोई भी सा भी तुम लोगों का वीडियो चाहिए तो किसी टॉपिक के ऊपर बताना, एक बार कोशिश करेंगे उसी वीडियो को बनाने का नेक्स्ट टाइम। ठीक है, और अगर इस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करके शेयर करना, और आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि जब भी कभी हम लोग कोई वीडियो या लाइव स्ट्रीम तो हम लोग रोज़ करते तो नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच पाए, तो आप लोग भी आ सकते हो वीडियो स्ट्रीम पे भी आ सकते हो, वीडियो भी आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा, आप लोग देख सकते हो। तो बस इतना ही कहना था, और नेक्स्ट में फिर से ऐसे ही कुछ अच्छा टिप्स वगैरह जो कि गेम प्ले सुधारने में काम आए ऐसा ही कुछ वीडियोस वगैरह आगे लाते रहेंगे, तो उसके लिए प्लीज़ सपोर्ट करते रहो। तुम लोग एक लाइक करोगे तो उसमें मैं सोचूंगा कि चलो बंदे लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, तो इसीलिए बंदे लोग लाइक कर रहा है, सपोर्ट कर रहे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा नेक्स्ट में और भी कुछ वीडियो लाने के लिए। तो गाइस चलो, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं तो मत करो, कोई बात नहीं, और टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।